नमस्कार है आप सभी दर्शकों का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक का हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, दर्शकों के सवाल भी हम लेते हैं जिन पर एक्सपर्ट्स भरोसेमंद सलाह देते हैं। और ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का और इस पर एक्सपर्ट की भरोसेमंद सलाह का होता है। लेकिन आज के शो में क्या होगा, खास किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो आज जो है, आज के बाजार के हिसाब से कल की रणनीति जो है वो बनानी होगी। लेकिन बाजार जो है वो आने वाले वक्त में, चूंकि कल अवकाश रहेगा, छुट्टी का दिन है, तो बाजार की रणनीति आपको परसों के लिए बनानी होगी। यस बैंक में बड़ा शेयर धारक बना रहेगा SBI और बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट, रोज की तरह आपका फेवरेट सेगमेंट भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस WhatsApp नंबर पर अपना और अपने शहर का नाम जरूर भेजिए। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, ट्विटर पर भेजने के लिए #कल की तैयारी और फॉलो आप कीजिए हमारे पेजेस को। और इसके साथ ही आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। याद रखिए, जब भी आप सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। बाजार से जुड़ी हर उलझन को सुलझाने की हमारी कोशिश रहेगी। दो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, आशीष माहेश्वरी साहब होंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से और केवल पटेल होंगे विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। और चलिए निगाह सबसे पहले आज के बाजार पर। तो बाजार आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 117 अंक चढ़कर 17,711 पर बंद हुआ। निफ्टी की इस तेजी में अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स और ONGC जैसे स्टॉक्स का बड़ा रोल रहा। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से 300 अंक फिसलने के बावजूद 99 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। रियल्टी और PSU बैंक को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स तेजी पर बंद हुए। और चलिए अपने मेहमानों से हम परिचय करा देते हैं, पहले ही हमने आपसे परिचय करा दिया, स्वागत करते हैं आशीष माहेश्वरी साहब का और केवल पटेल का, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दो दिन अगर हम देखें तो बाजार ने जो है वो होली की एक तरह से, होली में जो हरा रंग है उसमें आने में थोड़ी देरी जरूर की, लेकिन त्यौहार तक आते आते ये रंग थोड़ा और चटक हो गया। अब चूंकि कल तो अवकाश है, उसके बाद जब बाजार अगले खुलेंगे तो आप किस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं, किस तरह के आपको संकेत मिल रहे हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हरा रंग है यही बिखरा रहे आप सभी दर्शकों के पोर्टफोलियो में, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और जहाँ तक अगले ट्रेडिंग सेशन का प्रश्न है, मुझे लगता है कि एक बाजार में जो अडानी ग्रुप के फियर थे, तो फियर फैक्टर एक बना हुआ था, वो थोड़ा धीरे धीरे सबसाइड हो रहे हैं, तो जिसके चलते हुए जो निवेशकों ने अभी हाथ रोक लिया था या कैश पर बैठे थे, उन्होंने अब दोबारा से बाजार में बाइंग स्टार्ट किया और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा बड़े फैक्टर्स बन रहे हैं बाजार में जो बाजार में नई गिरावट लेकर आएंगे। मेरा मानना अभी भी है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं या एटी जो निफ्टी 200 तक के स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म करते रहेंगे, और अभी भी थोड़ा मुझे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में प्रेशर जो हमने पिछले एक महीने में बना हुआ देखा, बहुत जल्दी ईज आउट होता नहीं नजर आता। तो मेरी सलाह रहेगी थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लें, वो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, और बैंकिंग, IT और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, तो बाजार में कहाँ कहाँ आपको निगाह रखनी है अगले ट्रेडिंग सेशन में, वो बता रहे थे आशीष जी। केवल आपकी खास राय, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बताएं कि क्या लग रहा है कि ये रंग और चटक होता जाएगा हरा रंग? बिल्कुल, हैप्पी होली टू ऑल, सारे दर्शकों और अपने ईटी नाउ के फैमिली को, सबको भी इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हरा रंग कायम रहे इस मार्च महीने में, यही हमारी इच्छा है, विश है।
मैंने एक इंटरेस्टिंग बिहेवियरल स्टडीज देखा था, जिसमें मैंने पाया कि निफ्टी में जब भी 3 महीने लगातार रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद चौथा महीना जो होता है वो हरा रंग लाता है, मंथली कैंडल की बात करें तो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो हम वेट कर सकते हैं निफ्टी के लिए कि हरा रंग देखने को मिले। अभी सपोर्ट 17,500 और 17,300 पर है, ऊपर की तरफ 18,100 और 18,300 का रेजिस्टेंस हम लेके चल सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में भी प्रशांत सपोर्ट जो है 40,800 40,400 पे लेके चल सकते हैं, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 41,600 41,800 की तरफ लेके चल सकते हैं। तो हरा रंग लेके चलिए इस होली पे। बिल्कुल, और कहाँ किन किन लेवल्स पर ये जो हरा रंग है और बेहतर संकेत दे रहा है ये केवल ने बताया, इन्हें लेवल्स पर आपको नजर रखनी होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये शो आप दर्शकों का है, तो जरा दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे दोनों खास मेहमान तैयार हैं, प्रभाकर हैं मुंबई से, और इनका सवाल है कि पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के इन्होंने 4,000 शेयर ले रखे हैं और भाव है 57 का, लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया रखा जाए, होल्ड करें या फिर सेल करना चाहिए? आशीष जी बताएं आपका व्यू क्या होगा इस पर। जी मुझे लगता है थोड़ा सा पिछली बार जब बैंकिंग स्टॉक की रैली आया था तब आपके पास में स्टॉक आ गया है, और उसके बाद से हमने थोड़ा सा लिक्विडेशन स्टॉक में आता देखा है। बट मुझे लगता है जैसे ही अडानी का इशू बैक बर्नर पे जाएगा, PSU स्टॉक बैंकिंग स्टॉक में आप रैली दोबारा देखेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, और मेरा और भी सलाह रहेगी यदि 49 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको मिलता है तो बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, बुक वैल्यू करीब 85 रुपये के आसपास है और स्टॉक अभी 50 रुपये पर मिल रहा है, तो बिल्कुल वैल्यू बाय नज़र आता है मुझे, और एवरेज करने की सलाह थोड़ा गिरावट पर। तो आपको यहाँ पर एवरेज करने की भी सलाह दी जा रही है 49 के लेवल पर, और यहाँ पर जो है वो आने वाले वक्त में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अगले दर्शक हैं फारूक शेख औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जोमैटो के इन्होंने 246 शेयर लिए हैं और लेवल हैं 59 रुपये के, होल्ड करें या फिर सेल करें, केवल क्या होगी इनको एडवाइस? प्रशांत, जोमैटो जो हम बोलते हैं कि ये नए एज की कंपनी है, टेक्निकल और जो हमारे ट्रेडिशनल जो मार्केट है दोनों को मिला के जो कंपनी बनती है वैसी वाली कंपनी है, जहाँ पे वो फूड डिलीवरी वाला मेन बिजनेस करते हैं। आगे जाके जोमैटो में लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली एक फायदेमंद वाला ऑपरेटिंग मॉडल है जोमैटो का। टेक्निकली अगर मैं चार्ट पे बात करूँ तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर ये 59 का जो लेवल है उनका बाय लेवल है उसके ऊपर अगर एक बार आता है तो अपने को 75 और उसके ऊपर 80 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म अराउंड 6 से 8 महीने का होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है होल्ड करने के लिए, जब भी ये स्टॉक आपको 46 के नीचे मिले आप आपका लॉस जरूर से बुक करिए। तो यहां पर जो है वो आपको खास राय मिलती हुई। DC शर्मा हैं जयपुर राजस्थान से, और इनका सवाल है ISMT, जी हाँ, इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब्स ISMT के इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 80 के लेवल पर, 3 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। क्या आशीष जी क्या होगी इनको सलाह? देखिए मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की। स्टॉक ने आज 52 वीक हाई के लेवल्स को भी टच किया है और दोबारा से काफ़ी ट्रैक्शन इस बिजनेस में, जो ट्यूब बिजनेस है वहाँ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस में भी कंटिन्यूस हमने इम्प्रूवमेंट आता देखा, तो मुझे तो स्टॉक पसंद आता है। मेरा मानना है स्टॉक में बने रही है, स्टॉक आपको 1 साल में बिल्कुल 3 डिजिट में जाता दिखाएगी। बिल्कुल, तो यहां पर बने रहने की आपको स्टॉक में सलाह मिलती हुई। जाकिर हुसैन है हमारे जो अगले दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, गुजरात गैस के इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं और 500 के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं, केवल क्या होगी इनको सलाह? यूटिलिटी वाला शेयर है, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को। 530 और 540 के ऊपर मुझे ऊपर के लेवल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, 580 और उसके ऊपर अराउंड 620 के लेवल जो वहां पे एक गैप क्रिएट हुआ था पिछले मार्च महीने के आसपास, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा होल्ड करने के लिए वो आप 450 रुपये का लेके चल सकते हैं। जाकिर जी इसको जरूर से होल्ड करें।
होल्ड करने की आपको सलाह और खास रणनीति बनाने की भी आपको एडवाइस मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है योगेश कुमार और इनका सवाल है अडानी ग्रीन एनर्जी के, इन्होंने 10 स्टॉक्स ले रखे हैं 600 पीस के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? अभी तो होल्ड ही करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि जितने जितने हमने डाउन डाउन सर्किट देखे तो थोड़ा अपर सर्किट देखने में भी अच्छा लगता है कि स्टॉक में दोबारा से इतना बाइंग आ रहा है। तो मेरी सलाह रही कि स्टॉक में बने रहने की, और मेरी मैंने तो करीब 700-750 रुपए का टारगेट रखी एग्जिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बने रहने की सलाह। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है प्रशांत, पश्चिम बंगाल से हैं और इनका सवाल है एस के, इन्होंने 1500 शेयर ले रखे हैं 271 के लेवल पे और फिलहाल इस पे नजरिया चाहते हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें? केवल देखें जरा क्या इनको करना चाहिए। प्रशांत, बिल्कुल दोनों प्रशांत को ये बोलना चाहूंगा कि ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। वेव स्टडी के हिसाब से इसके फिफ्थ वे का टारगेट अराउंड 540-550 की ओर आ रहा है, लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी कि जब भी आपका स्टॉक आपको कुछ परसेंटेज रिटर्न देता है तो कुछ उसमें पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करिए, तो अभी भी आप उसमें पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको होल्ड करने के लिए आप एक स्टॉप लॉस लेके चलिए जो कि रहेगा 350 रुपए का, सॉरी नॉट 350, अराउंड 320 रुपए का। अगर ये 320 रुपए के नीचे जाता है तो आपको मोर देन 70% आपके स्टॉक इसमें बुक करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई और एक बड़ा अहम शब्द आपने यूज किया केवल, पार्ट प्रॉफिट। और हम अक्सर जब शोज करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दर्शकों को जरा समझाएं ये पार्ट प्रॉफिट क्या है और किस तरह से आपको इसमें रणनीति बनानी चाहिए जब हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी रैली किसी स्टॉक में दिख जाती है। पार्ट प्रॉफिट एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे अगर किसी कंपनी के 100 शेयर्स आप खरीदते हो तो लंबी अवधि के लिए आपने इसको खरीदा है, तो जब भी आपके इसमें 50% के प्रॉफिट, 50% के ऊपर आपके प्रॉफिट लेवल अचीव हो जाते हैं, आप आपकी 30% या 40% लिक्विडिटी आप इसमें से निकाल सकते हैं, तो आप 30 या 40 शेयर बुक कर लीजिए, बाकी के 60-70 शेयर आप अभी भी होल्ड करिए। जैसे ही 60% या 70% का प्रॉफिट आपका हिट हो जाता है तो आप और इसमें से 30% क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने ईटी नाउ स्वदेश पे ये भी बताया है कि इन्वेस्टर्स जो है, हम रिटेल कम्युनिटी, हमें अपना पैसा रोटेट जरूर से करना चाहिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इस पैसे को रोटेट करना चाहिए सेक्टर वाइज और सीजन वाइज, तो ये पार्ट बुकिंग जो है वो उसी एक थियरी का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां पे आप पैसे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लेके जाते हो इन पार्ट्स। बहुत ही बेहतर तरीके से केवल ने समझाया कि आखिर ये पार्ट प्रॉफिट है क्या और इसमें किस तरह से आपको रणनीति अपनानी चाहिए। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं, क्वासार हैं नाम है इनका, जमशेदपुर से हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के 100 शेयर इनके पास हैं, 347 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। सवाल है कि एक साल के लिए क्या नजरिया होना चाहिए, बने रहें या फिर निकल जाना बेहतर होगा? आशीष जी बताएं। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है और केमिकल के जैसे दूसरे स्टॉक्स में हमने बिकवाली काफी आते हुए देखी है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में से एक बार निकल जाएं, और कुछ हम VIP स्टॉक इसी रेंज में सजेस्ट करने वाले हैं कि तो थोड़ा सा शो में वेट करें, आपको अच्छे पिक्स वहाँ मिल जाएंगे, पर लक्ष्मी में एक बार निकल जाने की सलाह। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आपको निकल जाने की सलाह और VIP सेगमेंट ज़रूर देखेगा, वहाँ पर आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। और अगले जो दर्शक हैं उनका नाम प्रशांत है, बोकारो से हैं और इनका सवाल है SJS, एक बार फिर से मैं नाम रिपीट कर दूं, SJS एंटरप्राइजेस के 81 शेयर इनके पास हैं, 542 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और फिलहाल जो है वो घाटे में चल रहे हैं, आगे का नजरिया चाहते हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें? केवल जरा देख के बताएं क्या इनको सलाह रहेगी।
बिल्कुल प्रशांत, जो हमारे दर्शक प्रशांत हैं उनके लिए सलाह ये है कि ये स्टॉक टेक्निकली चार्ट पे अभी वीक है, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, लास्ट एक उसका जो सपोर्ट जोन है वहीं पे अभी रुक रहा है, तो आप इसमें 410 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें से निकल जाए, क्योंकि मुझे नीचे के लेवल आते हुए दिख रहे हैं अराउंड 350, और उसके नीचे भी ये स्टॉक अगर फिसला तो 300 और 250 के लेवल तक जा सकता है, तो इसमें से आप निकल जाए वही सही सलाह रहेगी, और हमारे जो वीआईपी स्टॉक्स रहेंगे उसमें आप ये पैसा इन्वेस्ट करें। निकलने की सलाह और आपको क्वालिटी स्टॉक्स हमारे वीआईपी सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। जितेंद्र गबली हैं मुंबई से और इनका सवाल है, बजाज फिनसर्व के 225 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, भाव है 1646 का, होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी बताएं क्या होगी इनको एडवाइस? यदि थोड़ी समय तक होल्ड कर सकते हैं तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कंपनी के साथ कोई खराब कोई परफॉर्मेंस खराब आया है, नंबर्स में कुछ खराबी आई, सिर्फ ये कि जब इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैवी स्टॉक है ये, और जब उनका एग्जिट होता है तब वो भाव बिना देखे स्टॉक को सेल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई स्लो डाउन है बजाज फिनसर्व के क्लाइंट एडिशन में या नंबर्स में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, और मेरा अगले 6 महीने में बिल्कुल लक्ष्य रहेगा 1600 रुपये से ऊपर का बजाज फिनसर्व वापस। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो आपको बने रहने की सलाह मिलती हुई। सीमा पुरकेत हैं कोलकाता से, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के 100 शेयर इनके पास हैं, 486 के लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक ले रखा है, राय चाहती हैं होल्ड करें या फिर सेल करें, केवल बताएं। प्रशांत, काफी टाइम से ये होल्ड कर रहे हैं अपने स्टॉक को, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा हो गया है, ये स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है, तो इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिएगा। अभी पिछले दिनों में इसने 250 का लो लगाया था, लेकिन हम 250 नहीं लेकिन 260, अगर ये 260 के लेवल के नीचे जाता है तो आपको इसको एग्जिट करना रहेगा, और इसमें इन्वेस्ट करने की जो अवधि है वो अगले 6 से 8 महीने तक आप इसमें होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप ये जो पैसा है वहां से निकाल के किसी अच्छे क्वालिटी वीआईपी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सीमा जी आपको खास रणनीति अपनानी होगी, जैसी एडवाइस हमारे एक्सपर्ट ने आपको दी। ऋषभ हैं उत्तर प्रदेश से, ऋषभ केतन नाम है इनका, और इनका सवाल है, अंबुजा सीमेंट के 110 शेयर इनके पास हैं, 512 रुपए से थोड़े से ऊपर इन्होंने ये शेयर लिए हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी बताएं। मेरी सलाह रहेगी होल्ड करने की, और इनफैक्ट 360 तक ये स्टॉक दोबारा से मिलता है तो आप उसको वापस बाय भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और मुझे लगता है जो वर्स्ट है वो बिहाइंड है यहाँ पर, जरूर वॉलिटिलिटी इन स्टॉक्स में काफ़ी बनी रहेगी, तो आप 3 से 6 महीने का लक्ष्य रखें जब तक थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगा और नंबर्स में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा सीमेंट की रोबस्ट सेल का, तो इसमें बाय एवरेज करिए वो बेटर स्ट्रेटेजी है 360 के लेवल पर। तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई, और फिलहाल जो दर्शकों के सवालों का सिलसिला है हमें यहीं रोकना पड़ेगा, और फिलहाल हम जान लेते हैं कि कल जो कल क्या कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, क्या कुछ खबरें होंगी, वामाक्षी इसका पूरा ब्यौरा दे रही है। जी बिल्कुल, कल भारतीय बाजार जरूर बंद रहेंगे, मगर हमारी नज़र होगी चाइना के ट्रेड बैलेंस डेटा पर, इसके अलावा EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का भी जो डेटा है वो कल आएगा, तो इसे ज़रूर अपने रेडार पर रखना होगा। मगर मार्च 8 को हम देखेंगे कि US की तरफ से ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा, और यूरो एरिया का GDP का आंकड़ा भी मार्च 8 को डिक्लेयर होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन हो रहा है, नैटको फार्मा फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है बायबैक को लेकर, SBI लाइफ इंश्योरेंस भी हमारे रेडार पर है क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है, इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं, जिंदाल स्टेनलेस भी फोकस में रहेगा क्योंकि कल आखिरी दिन है ये स्टॉक को खरीदने का अगर आपको अमेलगमेशन से पहले। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है जो आपके रेडार पर होने चाहिए, फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल अपना सेमी एनुअल मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे सेनेट बैंकिंग कमिटी को, इसके अलावा मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, और मार्च 8 को और एक बार फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल
अपना सेमी एनुअल मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी को भी प्रेजेंट करेंगे और उसी के साथ हम देखेंगे कि EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी कल रिपोर्ट होंगे। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए March 8th के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कल जो है वो भारतीय बाज़ार जो हैं वो बंद हैं, लेकिन विदेशी जो बाज़ार हैं वहाँ पर नज़र रखनी होगी और कई खबरें ऐसी हैं जिन पर आपको निगाह रखनी होगी। और चलिए आपके फेवरेट सेगमेंट VIP जो है, कमाई का VIP सेगमेंट है, उसकी अब बारी है। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट तैयार अपनी अपनी पिक्स के साथ। केवल सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं आपकी चॉइस क्या है। प्रशांत, मेरी चॉइस आज बाटा इंडिया रहेगी। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एक हार्मोनिक पैटर्न है जो रिवर्सल दिखा रहा है, इसका नाम है क्रैब हार्मोनिक पैटर्न। अभी उसका CMP है 1420, आप 1300 रुपए के मतलब 10% के स्टॉप लॉस के साथ इसमें हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। टारगेट रहेगा 1600 रुपए और 1700 रुपए, अवधि रहेगी अराउंड 8 से 12 महीने। दूसरा स्टॉक है टॉरेंट पावर, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है और अहमदाबाद में मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर यही है, तो मैं इसको समर पिक की तरह लेना चाहता हूँ। CMP 520 रुपए है, टेक्निकली चार्ट पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर और एक अपर रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है। पिछले 8-10 सेशन पहले इसमें वॉल्यूम भी काफी अच्छा था गैप अप के साथ, तो 520 के CMP पे बाय करेंगे, 480 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 580 और 650 रुपए। ये मेरे तरफ से दो VIP स्टॉक प्रशांत। तो बिल्कुल, तो केवल के ये दो चॉइसेस हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। और अब आशीष जी आपका रुख करते हैं, आप बताएं आपकी नजर कहां पर है। दो तीन स्टॉक जो आइडेंटिफाई किए हैं, एक स्मॉल कैप, मिड कैप और एक लार्ज कैप रहेगा। स्मॉल कैप जो स्टॉक रहेगा वो 270 रुपए की प्राइस रेंज का ही स्टॉक है, तो जेन टेक्नोलॉजीज पे बाय करने की सलाह है। ये डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, जो ड्रोन और वर्चुअल ट्रेनिंग जो होती है वो डिफेंस पर्सनल की वहाँ काम करती है। कंपनी के पास 90 से ज़्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं। और बेस्ट पार्ट है कि कंपनी का 9 महीने का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी इनकरेजिंग था, कि लास्ट ईयर उन्होंने जो 60 लाख का मुनाफा था वो बढ़ के 20 करोड़ का मुनाफा हो गया है। और जो ट्रिगर आने वाला है, मेरा मानना है कि मार्च के महीने में काफ़ी बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर अनाउंसमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ मैं, तो इस स्टॉक पर नज़र रखने की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा BSE लिमिटेड। मेरा मानना है कि NSE के कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं BSE के, और स्टॉक भी हमने देखा 1000 रुपये से गिर के ऑलमोस्ट 425-425 रुपये तक के लेवल आए थे, तो अब दोबारा से स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, काफ़ी वैल्यू है इस लेवल पे BSE के स्टॉक में। तीसरा स्टॉक जो लार्ज कैप रहेगा वो मेरा रहेगा गेल। मेरा मानना है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मेंस देखा है, बट मार्च में जो ट्रिगर आ रहा है कि जो प्राइसेस हाइक है, करीब 40% तक गैस की प्राइस हाइक कर सकते हैं, और लास्ट ईयर से इस ईयर में जो ब्लेंडेड प्राइस हाइक रहेगी करीब 70% रहेगी, तो काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर में उम्मीद कर रहा हूँ मार्च क्वार्टर का। और इसके अलावा एक US की LNG कंपनी को भी जो बाय करने का बात चल रहा है, उसके अनाउंसमेंट भी जल्दी उम्मीद कर रहे हैं, तो इन दोनों तीनों स्टॉक्स पर दर्शक नज़र रख सकते हैं और यही हमारी होली पिक। ठीक है, तो ये है होली पिक और उम्मीद करते हैं कि बाजार जो है वो ऐसे ही बेहतर संकेत आगे भी देता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे केवल और आशीष जी आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। उसके साथ ही VIP कमाई का जो VIP सेगमेंट है उसके जरिए कमाई के मौके कहाँ बनेंगे वो बताने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।